हेलो एवरीवन, आज हम 132/11 के भी सब स्टेशन को देखेंगे। जिसे देखिए, ये सबसे पहले हमारा 132 के भी का इनकमिंग आती है, जो हमारे आइसोलेटर मेन आइसोलेटर में कनेक्ट रहती है। मेन आइसोलेटर से सबसे पहले लाइटिंग अरेस्टर कनेक्ट होता है। लाइटिंग अरेस्टर का काम है हाई वोल्टेज सर्ज को ग्राउंड करना है। किसी भी कंडीशन, फॉल्टी कंडीशन में जब हाई वोल्टेज होता है तो वो उसको ग्राउंड कर देता है। ये देख सकते हैं आप, लाइटिंग अरेस्टर है जो ग्राउंड कर देता है। इसका इसमें एक मीटर लगा होता है जो उसका करंट बताता है। ये देख सकते हैं, ये ग्राउंड रहता है। इसके बाद आइसोलेटर का काम आइसोलेट करना होता है। किसी भी कंडीशन में पूरे 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 लाइन को हम डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैनुअली भी होता है और ऑटोमेटिकली के अंदर से फीडर के द्वारा हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं। फॉल्टी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। ये है मेन आइसोलेटर। हमारे यहाँ दो रूट चलते हैं, इसीलिए मेन आइसोलेटर से एक फीडर आइसोलेटर गया है। ये फर्स्ट फीडर आइसोलेटर है एंड वो देख सकते हैं उस साइड में सेकेंड आइसोलेटर है। ये भी सेम प्रोसेस है, इसको भी मैनुअली एंड ऑटोमेटिक दोनों के द्वारा हम आइसोलेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आइसोलेट, तीनों रॉड रहते हैं। ये वाली रॉड से हम इसको घुमा के, क्लॉक वाइज घुमा के इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जाता है ये SF6 सर्किट ब्रेकर में। SF6 सर्किट ब्रेकर में जाता है, ये है SF6 सर्किट ब्रेकर, जो एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जिससे किसी भी कंडीशन, हाई वोल्टेज कंडीशन में सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये देखिए सर्किट ब्रेकर है, ये इसका पैनल है। इसको हम ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों की तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद करंट ट्रांसफार्मर लगा होता है, CT जिसे बोलते हैं, तो करंट को मेजर करने के लिए लगाया जाता है और प्रोटेक्शन का भी काम कर सकता है। इसको देख सकते हैं, ये सीरीज में जुड़ा रहता है। ये देख सकते हैं सीरीज में जुड़ा है। RYB तीनों फेज में अलग अलग लगे रहते हैं। ये देखिए इसका कंट्रोल डायग्राम, जो CT जो अंदर पैनल रूम में सबका कनेक्शन गया होता है, जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। इसके बाद जाता है हमारे इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे PT बोलते हैं, जहाँ 132 kV का है। ये देख सकते हैं इसका नेम प्लेट 132 kV वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। यह प्रोटेक्शन का काम करता है और वोल्टेज को मेजर करता है। यह पैरेलल में लगा होता है, आप लोग देख सकते हैं, सीरीज में एक तरफ से जाता है, एक तरफ से निकलता है, जबकि वोल्टेज ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगा होता है। ये RYB तीनों फेज में लगे होते हैं, ये देख सकते हैं, जबकि आप लोग देख सकते हैं 132 kV के मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस 6 मीटर तक रहती है, 6.1 मीटर से अबव रहती है, देख सकते हैं। इसके बाद ये लाइटिंग अरेस्टर दोबारा हम एक फॉल्ट को अरेस्ट करने के लिए लगाते हैं, तो एक सेफ्टी, डबल सेफ्टी के लिए यहाँ डबल लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। इसके बाद हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को दे देते हैं। ये देखिए 16 MV का ट्रांसफार्मर लगा है। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।